बहुत ही रेलेवेंट टॉपिक है और जिस तरह के समाज में हम लोग जिस हालात में हम लोग रह रहे हैं वहाँ पर ये बहुत बड़ा बहस का मुद्दा है कि मजहब ज़्यादा ज़रूरी है या पढ़ाई लिखाई ज़्यादा ज़रूरी है, प्यार ज़्यादा ज़रूरी है, मोहब्बत ज़्यादा ज़रूरी है या मजहब ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये एक टकराव की स्थिति में हम लोग जी रहे हैं, एक ऐसे समाज में जी रहे हैं कि जहाँ पर मजहब सारी चीज़ों के बीच में आके खड़ा हो गया है, वो कोई भी मजहब हो। और इस पे इतने सुलगते हुए प्रश्न को बहस के रूप में जैगम ने पर्दे पर डाला है। आशा करता हूँ कि ये बहस आगे बढ़ेगी और इस बहस से बहस को बढ़ाने में इस फिल्म का बहुत बड़ा योगदान होगा और इस बहस का कुछ तो नतीजा निकले, कुछ अच्छा ही निकले, यही दुआ करता हूँ। थैंक यू। क्या ऐसा खास लगा आपने, आप इस फिल्म का हिस्सा बनी, कोई ऐसी खास बात जिसके लिए आपने कहा कि यस आई वांट टू बी अ पार्ट ऑफ फिल्म? देखिए, सबसे पहले तो ये एक एक्टर के पास जब एक डायरेक्टर आता है या राइटर उसके साथ होता है तो आप उसी वक्त समझ जाते हैं कि उसके अंदर कितना जुनून है और उसका नज़रिया क्या है, पर्सपेक्टिव क्या है, विजन क्या है सिनेमा का। और कहानी जो है उसका मुद्दा बहुत ज़रूरी है और मुझे ऐसा लगा कि ये बहुत खूबसूरती से लिखा है ज़रा। And I would like to appreciate that in front of everybody. कि सहम ने बहुत ही sensitivity के साथ, और ये मुद्दा जो है ये वाकई politically, socially बहुत sensitive है, उसको इतना बखूबी इन्होंने लिखा और इतनी honesty के साथ और ईमानदारी के साथ, इतनी मोहब्बत से इन्होंने इतनी मुश्किलात face करते हुए इन्होंने अपने किरदार जो है उनको जागृत किया और अपनी बात कही। अली छोटा सा बच्चा है, उसकी कहानी है और उसके इर्द गिर्द जो उसके ख़ानदान के लोग हैं और जो वो फेस करता है सिर्फ इल्म पाने के लिए, पढ़ाई के लिए, वो बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारे पिछड़े हुए जो इलाके हैं वहाँ तक ये फिल्म पहुँचे इंशाल्लाह और वो लोग समझें कि टेक्नोलॉजी की बात नहीं है, बात यह है कि हम अपने दिमागों को किस तरह से रोशन करें और प्रोग्रेस की तरफ बढ़ें। तो ये बहुत ज़रूरी थी, ये फिल्म बहुत ज़रूरी है। आजकल जो हमारा माहौल है और ये हिंदुस्तान है, यहाँ पे एडुकेशन जो है वो एक बहुत बड़े लेवल पे नहीं है, तो मेरे ख्याल में तो वी शुड अपलॉड ज़ैगम फॉर टेकिंग द हैविंग द करेज एंड टेकिंग इट अपॉन हिमसेल्फ टू टेक फॉरवर्ड द फैक्ट दैट एवरी चाइल्ड इन दिस कंट्री शुड बी एजुकेटेड। थैंक यू सो मच जी। इंटरनेशनल सिनेमा तो नहीं किया लेकिन इंटरनेशनल थिएटर बहुत किया है। मेरा एक शो ब्रॉडवे म्यूजिकल टाइप है भारती, वहाँ पर बहुत काम किया है। तो इंटरनेशनल स्तर पे काम करके एक एक्सपोजर मिलता है, आप ट्रैवल करते हैं, आप अलग अलग कल्चर से लोगों को मिलते हैं और आपको पता चलता है कि व्हाट इज़ हैपनिंग आउटसाइड और वो एक्सपीरियंस आप यहाँ लेकर आते हैं, आप वर्ल्ड सिनेमा को एक्सपीरियंस करते हैं और फिर आप आकर भारत में काम करते हैं एंड यू रियलाइज कि हमारा सिनेमा किसी और सिनेमा से कम नहीं है एंड इट्स जस्ट एब्सोल्युटली एट पार विद एवरीथिंग एल्स। जी हाँ, मेरी प्रकाश झा जी की फिल्म ब्रॉड सैया ऑपोजिट अरशद वारसी शुड बी रिलीजिंग इन 2017। जी, उसके लिए हमने, मैं दिल्ली में ऑडिशन कर रहा था मैं काफ़ी, और दिल्ली, लखनऊ, बनारस में चूंकि मुझे शूटिंग करनी थी, वहाँ भी हम 2-3 महीने से लगे हुए थे कि कुछ अच्छा मिल जाए उस फ्लुएंसी के साथ, जिसकी बात अच्छी हो, थोड़ा दिखने में वैसा हो जिसके साथ लोग कनेक्ट कर सकें। ठीक, यही सबसे बड़ी मुहिम थी हमारी बच्चे को ढूंढने में। फिर सडनली मेरे एक दोस्त हैं कास्टिंग डायरेक्टर, उनका फ़ोन आया कि यार एक लड़का है, देखते हैं कैसे उसके साथ करना है। तो फिर मैं उससे मिला, सऊद है, मोहम्मद सऊद के हैं, इन्होंने काम किया है काफ़ी वैसे टीवी में, और तो मैंने उस इनका काम मैंने देखा नहीं था। तो फिर जब मैं इनसे मिला तो फिर इनको ट्रेन करने में तो खैर बड़ा मज़ा आया और हमने कई सारी वर्कशॉप की लगातार, और इनको बनारस में भी हमने काफ़ी कैसे वहाँ के बच्चे चलते हैं, कैसे करते हैं, मदरसे के बच्चे हैं, और ये अच्छी चीज़ थी कि ये
मुस्लिम बैकग्राउंड से आते हैं तो उनको बहुत सारी चीज़ें पता भी थी कि मैनरिज्म क्या होता है, कैसे चलते हैं, क्या करते हैं। तो ये प्रोसेस था जो हमने कई शहरों की, और फाइनली लेकिन हम तलाश हमारी मुंबई में ही पूरी।